गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं एएच खान, स्वागत है आपका कोई प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर में। ये हम साइड विजिट कर रहे हैं आज सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली। ये जस्ट आप देख रहे हैं, ये चिल्ड्रन पार्क है एंड वाटर पार्क हो गया। अब राइट में गोल्फ रेंज हो गया, गोल्फ रेंज, कटिंग, गोल्फ चिपिंग। अच्छा, ओके ओके। हमारे साथ सेंट्रल पार्क में भाई साहब हैं, वो साइड विजिट हम लोगों को दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट कराएंगे साइड विजिट। सी ब्लॉक है ये, सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक से एंटर कर रहे हैं। ये प्लॉट्स हैं, ये सी ब्लॉक से हम लोग ने एंटर किया है इधर। ये प्लॉट की कटिंग्स हैं, प्लॉट से 375 गज वाले। हाँ, 375 गज से स्टार्टिंग है सर, यहाँ पे सी ब्लॉक लिखा हुआ है। ये आसपास में पूरा डेवलप एरिया है सर। कितने रुपए से स्टार्ट है यहाँ पे, गज का क्या हिसाब है? 180 गज से स्टार्ट है। अच्छा, कटिंग जो स्टार्ट है वो 180 गज से कटिंग स्टार्ट है। हाँ, और वो 1000 गज तक है। ओके, इसमें सर आपको 180 गज का मिनिमम साइज़ मिलेगा। मिनिमम साइज़ की जो कटिंग्स हैं वो 180 गज से स्टार्ट हैं एंड मैक्सिमम जो है 1000 गज आप इसमें ले सकते हैं। बाकी आप जितना मर्जी ले सकते हैं, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, डबल ट्रिपल, बट जो मैक्सिमम साइज है 1000 स्क्वायर यार्ड रहेगा। ये फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क की साइड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये भी प्लॉट्स हैं सर? हाँ, ये भी प्लॉट हैं। छोटा प्लॉट है, 180 कटिंग का लग रहा है ये भी। सो पूरे पार्क हो गया, ये पेट पार्क है। ओके, मल्टीपल एमिनिटीज़ हैं साइट के अंदर, एक डेवलप एरिया। ये क्लाइंट का बना हुआ है सर? क्लाइंट ने बनाया है? हमने बना के दिया है। अच्छा, ये आप भी बना के दे रहे हैं जी? अच्छा, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, 4 BHK का है। ओके, ये 4 BHK 300 गज के अंदर है। कंपनी जो है खुद भी डेवलप करके दे रही है। अगर आप डेवलप नहीं करना चाहते हैं तो कंपनी से भी आप डेवलप करा सकते हैं इसमें। आसपास की लोकेशन, कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये सोना एक्सप्रेसवे से इसकी डायरेक्ट एंट्री एंड एग्ज़िट है। सोना एक्सप्रेसवे आपका जो कनेक्ट होता है, बम्बई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होता है, बम्बई कॉरिडोर एंड KMP कनेक्ट करता है आपका, कुंडली मानेसर पलवल कनेक्ट करता है। तीसरा एक्सप्रेसवे NH8 जो कि आपका दिल्ली से सीधा जयपुर, गुजरात, मुंबई वगैरह आपका मल्टीपल लोकेशंस को कनेक्ट करेगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा डेवलप एरिया है, काफ़ी अच्छी एक सोसाइटी है। आसपास का मैं आपको व्यू बड़ा करके दिखाता हूँ इसमें। ये आप देख रहे हैं पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे आ रही है, पूरा डेवलप्ड हो चुका है ये। ये क्या चीज़ है सर? फेस पॉन्ड। ये क्या होता है सर? मछली पकड़ने के लिए। अच्छा, ओके ओके। तो इसमें चार्ज वगैरह देना पड़ेगा सर मछली पकड़ेंगे? नहीं नहीं, अभी कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो ये RWA के अंडर में होगा मछली, वो भी डालेंगे और पार्क खुद अपना वो करेगा। ओके, आप यहाँ पे मछली भी पकड़ सकते हैं सर, ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है। सो एक अच्छी सोसाइटी है और एक डेवलप, नियरेस्ट डेवलप एरिया है सोना, गुड़गांव, साउथ ऑफ गुड़गांव इसको बोलते हैं हम। धर्मशीतल है, धर्मशीतल यहाँ पे मंदिर, ओके, गुरुद्वारा, ओके, चर्च, ओके, और मस्जिद, ओके, ओके, मस्जिद है वो भी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया सर। अभी जो हमें सर ने अपडेट कराया, ये जस्ट ये बच्चे के लिए चिल्ड्रन पार्क रहेगा ये वाला। हाँ, ये चिल्ड्रन पार्क है एंड इसके जस्ट बराबर में मैं आपको दिखाता हूँ ये जो खाली जगह है यहाँ पे। इस प्रोजेक्ट में यहाँ तक के मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। रियल इस्टेट्स में मैं जाता रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह लेता रहता हूँ। ये टेनिस कोर्ट है सर, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट हो गया, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। ओके, थैंक यू।
सर हमें पूरी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बाकी इसका कितने रुपए गज है, क्या इसका डिटेल्स वगैरह, पेमेंट प्लान्स वगैरह, वो हमारी अभी आरएम हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, सो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल अपडेट कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं कम्प्लीटली बना हुआ है, चीज़ें हैं, आप ये कंस्ट्रक्शन के साथ ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो भी कर सकते हैं ना। हाँ, आप अपने हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक आपको ये विला आपको मिलेगा सर, इसमें 3 BHK या 4 BHK एक फ्लोर मिलेगा या फिर पूरा का पूरा मिलता है सर? ये एक मिलेगा, ये 2+ study वाले। ओके, 80 गज पर है ये 2+ study है, एक फ्लोर मिलेगा इसमें ना? हाँ जी। ओके, अगर कोई ग्राउंड और बेसमेंट है, फर्स्ट सिंगल है, सेकेंड के साथ रूफ राइट है, सेकेंड के साथ रूफ राइट मिलेगा। ओके सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि सपोज अगर क्लाइंट पूरा प्लॉट लेता है तो उसका तो पूरा प्लॉट रहेगा ना? हाँ, उसको ओके अगर पूरे प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करके देंगे सर? हाँ, अगर सर अगर आपसे कराते हैं तो? अगर तो वो हमसे कराते हैं तो हम पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, सेंट्रल पार्क आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके देगा, लाइक एक विला कोठी टाइप में पूरा कंप्लीट आपको बना के देगा? 400 गज का एरिया है सर, इसमें आप 400 square yard आप इसमें आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, 1000 तक की इसमें कटिंग्स हैं डायरेक्टली। ओके, ये आपका साइकिल स्टैंड बनाया हुआ है कि आप साइकिल यहाँ पे अपना पार्क कर सकते हैं। आप प्लान अगर आप कर रहे हैं प्लॉट्स का, ये भी प्लॉट्स हैं सर, है ना? ओके, अगर आप प्लॉट्स का प्लान कर रहे हैं तो मैं एक बार ज़रूर बोलूँगा कि आप सेंट्रल पार्क फ्लाईओवर वैली ज़रूर आएँ। आपको आपका ख़रीदने का अगर मन है या नहीं भी है, आप एक बार साइट विज़िट के लिए आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस हैं और फैसिलिटीज़ हैं बजट को लेके। ओके, ये हाई राइज है, किस नाम से है सर? दारूम्स, ये दारूम के नाम से कंपनी ने हाई राइज टाउनशिप के अंदर ही बनाया है, और इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं सर, ऑलमोस्ट वो हाई राइज अपने पीछे वाले। ओके, हाई राइज हो गया। ओके, क्लब है अपना। ओके, ये इसमें क्लब भी रहेगा, इंटरनल क्लब रहेगा। सो ये दारूम के नाम से मैक्सिमम 80% हम इसको बोल सकते हैं कि कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसमें आपको लेबर भी हम दिखाएंगे कि लेबर भी इसमें आपको मिल जाएगी। देखिए आप लेबर काम कर रही है, सुबह सुबह का टाइम है, बारिश का माहौल है तो काफ़ी अच्छा मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम से। सो ये एक लो राइज भी शायद बना रहा है बिल्डर ना, ये भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है सर। ओके, कितने एकड़ की लैंड है सर ये? तो 500 एकड़ की। ओके, ये जो आप साइट विज़िट कर रहे हैं सर, प्लॉट्स हैं इसके अंदर, लो राइज फ्लोर्स हैं, सीरीज फ्लोर है, ये सीरीज फ्लोर हैं, स्टिल प्लस फोर्थ फ्लोर आपको मिलेगा। पार्किंग रहेगी, टॉप का टेरिस रहेगा आपका, एंड उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये साइट को देखने के लिए स्पेशली ये गाड़ी का इंतज़ाम है, और गाड़ी से आप पूरा साइट विज़िट करेंगे। अगर आप वॉकिंग साइट विज़िट करते हैं तो आप शायद ही आप पूरी विज़िट कर पाएँ, अच्छे से देख पाएँ चीज़ों को, बट कंपनी ने गाड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है, एक बैटरी चार्जिंग गाड़ी है ये। सो इसमें एक हर एक एमिनिटीज़ आपको मिल रही है, और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये आपका NH8 कनेक्ट हो रहा है, विद इन 15 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आप राजीव चौक कनेक्ट हो जाते हैं। राजीव चौक से आप 35 to 45 मिनट्स में आप दिल्ली कनेक्ट हो जाते हैं, दिल्ली आपका सेंट्रल दिल्ली कनॉट प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। सो मैंने राइड किया हुआ है जस्ट वहाँ पे, 45 मिनट्स राउंड अबाउट राजीव चौक से लगते हैं, एकदम नॉर्मल हम आराम से चलते हैं देन। सो इसकी प्रोजेक्ट की मैं जो सबसे USP की जो मैं बात कर रहा था, आज तक का रिकॉर्ड है, बिल्डर्स ने अभी तक ऐसा कोई USP नहीं दिया प्रोजेक्ट के अंदर जिसके अंदर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बिल्डर बना के दे रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई मंदिर में जाना चाहे, मस्जिद में जाना चाहे, गुरुद्वारे में जाना चाहे, चर्च में जाना चाहे, सो एक कॉमन एरिया को लेके बिल्डर ने
पूरा आपका धार्मिक चीज़ों का प्रोजेक्ट के अंदर ख्याल रखा है, और मैं पूरे दिल्ली NCR में जितनी भी साइट्स पे विज़िट किया है, फर्स्ट बिल्डर ऐसा है ये सेंट्रल पार्क जिसने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च का इंतजाम प्रोजेक्ट के अंदर किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी सर, ये नए प्लॉट्स हैं जो अभी लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, ये नए प्लॉट्स हैं जो अभी लॉन्चिंग में चल रहे हैं, अंडर लॉन्चिंग है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो जस्ट यहाँ से आप ये पहाड़ का भी व्यू आप देख सकते हैं, जस्ट ये आपका पहाड़ का व्यू सामने आता है। सो एक अच्छा इन्वायरमेंट है जगह का, बिल्डर जो है इसको कम्प्लीटली डेवलप करके दे रहा है, वाइट प्रॉपर्टी है। सो इसमें आपको लाइट से लेके रोड बना के मिलेगा, एंड पानी की व्यवस्था, हर एक मल्टीपल एक्सेसरीज। ये स्कूल भी आ रहा है सर इसमें? हाँ, स्कूल है। ओके, ये आप देख रहे हैं इसमें बोर्ड लगा हुआ है एंड स्कूल का। सो स्कूल भी आपको इसके अंदर मिल रहा है। सो ये एक साइट, ऐसी साइट है कि अगर आप लो राइज प्लान कर रहे हैं या हाई राइज प्लान कर रहे हैं या फिर आप प्लॉट का प्लान कर रहे हैं, एयर एम्बुलेंस के लिए भी सुविधा है। ओके, ये एयर एम्बुलेंस है। ओके, सो ये पहली साइट ऐसी है जिसमें एक आपको एयर एम्बुलेंस भी मिलेगी कि इनकेस अगर सपोज दैट आपको अगर कोई एमरजेंसी आती है। सो आप अगर बाई रोड आप जाते हैं, सो मैं आ रहा था अभी राजीव चौक से, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है कि अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो शायद ही मालिक बेहतर जानता है क्या हो सकता है। बट क्या है कि यहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस आपको मिलेगी, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से आप किसी भी हॉस्पिटल या मल्टीपल हॉस्पिटल्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं विद इन अ मिनट के अंदर अंदर। सो ये एक बहुत अच्छा इसमें एक एडवांटेज आपको दिया हुआ है कि एयर एम्बुलेंस भी इसमें आपको मिलेगी। सो पेमेंट प्लान भी उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत अच्छा पेमेंट प्लान आएगा। सो आप इसमें लोन करा सकते हैं, एंड आप CLP में भी इसमें कुछ प्लान रहेगा, लाइक जैसे आप अभी कुछ टाइम बाकी बच रहा है तो CLP आप ले सकते हैं, वन टाइम पेमेंट प्लान रहेगा, एंड लोन इसमें मैक्सिमम अवेलेबल रहेगा क्योंकि एक इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, बैंक इसको मना नहीं कर सकता, इसमें लोन को लेके कोई इशू नहीं आएगा। सो लोन का एक बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन रहेगा। सो ये आप प्रोजेक्ट देख रहे थे, फ्लाइवर वैली के नाम से प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क कंपनी है। सो कंपनी की मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में अपडेट करूँगा, पूरा डिटेल्स आपको मैं अपडेट करूँगा। सो मैंने अभी कंपनी के ऊपर R&D नहीं करी है। सो RM से मुलाकात होने के बाद और पूरा मैं एनालिसिस करूँगा कंपनी के, पहले कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने डिलीवर्ड किए हैं, क्या कंपनी की प्रोफाइल रही है, कितने टाइम से रियल इस्टेट में है, एंड पिछला क्या बैकग्राउंड है, वो सारा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट करता रहूँगा। ये आप अपडेट देख रहे हैं जुलाई 2021 का ये अपडेट है, फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क। ये आप जो भी आप खाली जगह देख रहे हैं ये सारे प्लॉट्स हैं, इनकी कटिंग्स अभी अंडर प्लान चल रहा है। सो अगर जैसे आपका कोई प्लान होता है तो इसमें हम इसमें फाइनल करा सकते हैं। ये आप लो राइज फ्लोर्स देख रहे हैं इसमें, 2 BHK 3 BHK एंड विद टॉप का लेते हैं तो आपको टेरेस साथ में मिलेगा इसमें। सो ये बहुत 500 एकड़ में ये लैंड है, टोटल 500 एकड़ में बिल्डर ने इसको कंस्ट्रक्शन किया है, डेवलप किया है। इसके अंदर आपको यूनिट जो मिलेंगी 2 BHK है, 3 BHK है, एंड स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा लो राइज में, हाई राइज में, एंड प्लॉट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सो अगर आपका प्लान बन रहा है ऐसा कुछ है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार आके विज़िट ज़रूर करें। ये देखिए आप इसमें ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्लाइंट्स ऑलरेडी इसमें रनिंग मोमेंट में हैं, रह रहे हैं इसके अंदर। ये लेबर्स मैं आपको दिखाऊँगा, ये पूरा इसमें पूरे ज़ोरों से काम चल रहा है इसमें। ये हम उसी साइट पे, ये हमारा रिटर्न हम ले रहे हैं, यू टर्न लेके वापसी आए हैं। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
एंड इसमें आपका हाई राइज फ्लोर्स हैं ये, जिसमें कि आपका स्टूडियो अपार्टमेंट्स आपको मिलेगा। लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से तीन एक्सप्रेसवे के कनेक्ट करते हैं। सोना एक्सप्रेसवे से आपकी डायरेक्ट एंट्री एग्ज़िट है। अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप सीधा पलवल साइड केएमपी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हैं, मेवात साइड आप निकल जाते हैं। इसमें अलवर वगैरह सारा कई मल्टीपल लोकेशंस हैं। एंड अगर आप राइट लेते हैं तो सीधा आप मुंबई कॉरिडोर को आप कनेक्ट करते हैं। साथ ही फिर थोड़ा आप आगे चलेंगे तो NH8 कनेक्ट हो जाता है। इसमें NH8 आपको सीधा दिल्ली कनेक्ट करेगा एंड जयपुर, गुजरात या बम्बई वगैरह आपको सीधा कनेक्ट करेगा आपको। ये एक डेवलप लोकेशन है। मैं ख़ासकर उन क्लाइंट्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगा जिन क्लाइंट्स को एक डाउट रहता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या इशू आ सकता है, बिल्डर पैसे लेके जा सकता है नहीं जा सकता है। तो 2017 के बाद जितने भी बिल्डर अभी सर्वाइव कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, वो एक वाइट तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं। सो अगर वो कुछ गलती करते हैं तो रेरा के एक्ट एज़ पर लीगल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडरलाइन मैक्सिमम लीगल्स ऑप्शंस हैं। सो उस केस में वो जो है दिक्कत आ सकती है काफ़ी, तो इसलिए वो कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं जिसमें उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सो सैंपल देख लेते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो इसमें भाई साहब हमें अभी सैंपल भी एक दिखाएंगे फ्लैट, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 2BHK 3BHK सर? 2+ स्टडी हम लोग अभी जस्ट विज़िट करने जा रहे हैं। सो वीडियो एक लंबी जा रही है, बट क्या है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इसमें लेके चलेंगे। ये 2+ स्टडी है का, जस्ट ये दो कनेक्टिविटी इसमें दी हुई हैं। ओके सॉरी, ये स्लाइडिंग डोर्स इसमें आपको मिलेंगे साथ में। सो यहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। एंड एक आपका ये वाले हम रास्ते से आए थे इधर से, जस्ट ये वाला ये रास्ता ओपन है। पैनासोनिक के आपको इसके अंदर स्विचेस मिलेंगे। ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया हो गया, किचन, एंड ये किचन से आपकी कनेक्टिविटी जा रही है। ये ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको पार्क का एरिया मिलेगा। ये पूरा ब्लॉक है, यहाँ से भी आप इंटर एंड एग्ज़िट कर सकते हैं। ये सीधा आपका रूम से कनेक्ट होता है। स्लाइड्स के इसमें आपको विंडो एंड गेट है। वॉशरूम आपको मैं दिखा देता हूँ। सेंट्रल पार्क की मैनिटी, जैगुआर की इसमें फिटिंग्स हैं, वॉशरूम फिटिंग्स। ये वॉशरूम अटैच है बाथरूम से। ये आप रूम आप देख रहे हैं, इसका कितने बाई कितने का है, कितना इसका साइज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें अपडेट करूँगा। ये सेकंड रूम आप देख रहे हैं, अटैच बाथरूम है। ये अटैच बाथरूम है विद कॉमन बाथरूम, इसको आप कॉमन भी यूज़ कर सकते हैं एंड अटैच भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप देख रहे थे उस साइड से हम लोग ने इसमें एंटर किया था, बट इधर से भी आप जाके एंड इधर से भी आप पार्क का एरिया यूज़ कर सकते हैं।
2 BHK विद स्टडी रूम है, आप इसको स्टडी रूम या वर्क फ्रॉम होम ऑफिस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये आपको स्लाइड्स आपको इनबिल्ट रहेंगे, इसके अंदर स्लाइड्स आप देख सकते हैं। ये एक लो राइज फ्लोर आप देख रहे थे, इसकी मैंने प्रोजेक्ट के पूरे प्लॉट्स के साथ आपको इसमें साइट विजिट कराया। चलते हैं सर। 3 BHK भी है अवेलेबल है? हाँ वो दिखा दे। नहीं नहीं कोई नहीं सर, 3 BHK एक ही बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइज़ बढ़ जाएगा, यही चीज़ बनाई हुई है, एक रूम ऐड हो जाएगा उसमें। सिक्योरिटी गार्ड आप देख सकते हैं आपको अवेलेबल मिलेगा। एक एक पॉइंट पे सिक्योरिटी गार्ड का कॉर्नर सेंटर साइड कोई नहीं सर। ठीक है, ये 3 BHK इसमें अलग साइड में है, 2 BHK का अलग पार्ट है। साइड पे हूँ बुक करा है। नहीं नहीं सर, उन्होंने मना कराया ना कि वही देखेंगे। नहीं नहीं ऐसा ना ना बेकार के। सचिन के पास जा रहा हूँ सर, अभी इधर आया था फ्लाईओवर पे, तो साइड देख रहा हूँ, साइड देख के तुरंत जा रहा हूँ। कल भेजा था ना मैंने डिटेल, मैं जैसे आपको 2 मिनट में करता हूँ सर, मेरा साइट विजिट कंप्लीट होता है। ये हम गए दूसरे रास्ते से, आए दूसरे से रास्ते से। मैं आपको सर साइट का अपडेट दे रहा था, सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सोना एक्सप्रेसवे रोड पर साइट है। तो ये अपडेट है जुलाई, ग्रोसरी स्टोर। ओके, आपको इसके अंदर ग्रोसरी स्टोर आपको इसमें प्रोजेक्ट के अंदर ही रहेगा। ग्रोसरी का जो भी सामान लेना चाहें, प्रोजेक्ट के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो वीडियो आप देख रहे थे, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, 500 एकड़ की साइड है, तो एक छोटे से वीडियो में ये कवर भी नहीं हो सकता। यहाँ भी मैंने 3 BHK का इसमें सैंपल फ्लैट भी नहीं दिखाया, तो एक काफ़ी लंबी वीडियो होने की वजह से। तो डिटेल्स इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन में है वो मैं आपको इसमें टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, एंड
मैं हर एक प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको इसमें अपडेट्स मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँ। अगर आप कोई सिलेक्टेड कोई प्रोजेक्ट या कोई ब्रांड के बारे में आप डिटेल्स रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग या हमारी कोई टीम का मेंबर जाके स्पेशल उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।